आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 2 जुलाई की शुरुआत की रिकॉर्डिंग। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर के देखना किसी का भी पार्ट, अपना भी पार्ट, दुनिया में जो चल रहा है रोल, हर एक आत्मा का रोल चल रहा है। किसी का हीरो का पार्ट चल रहा है, किसी का विलन का पार्ट चल रहा है, एक मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, जिसको कि हम डिटैच होकर दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम हाय तौबा करके दे सकते हैं। हाय इसने ऐसे क्यों करा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो देखो लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने बुरे हैं। हम हर किसी को कैटेगरी में डाल देते हैं और वो हमारे अंदर मूड्स का स्विंग लेके आता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हर चीज को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर के देखो। दुनिया में जो भी चल रहा है, लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं, हर एक को अपने कर्मों को फेस करना है। तो हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले हैं? हमें बस पता होना चाहिए कि हमें क्या ठीक करना है, क्या गलत होता है, वो हमें अपने लिए पहचानना है। लेकिन और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हमें नज़रअंदाज करना है। लेकिन अगर उसका असर हमें पड़ता है तो हमें उनको बताना है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति द्वारा, डिटैच होकर के देखने की स्थिति द्वारा, हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भवा। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहज योगी बनी है। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहज योगी बनी बनती है। मतलब हीरो पार्ट तभी हम बजा सकते हैं जब हम डिटैच होकर देखते हैं। अगर हम अटैचमेंट में देखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम हीरो पार्ट नहीं, हम मेरे तेरे में फंस जाते हैं। तो जब मेरा तेरा, मेरी चीज़, मेरे लोग, मेरे कम्युनिटी वाले, मेरे शहर वाले, मेरे धर्म वाले, मेरे कास्ट वाले, मेरे क्रीड वाले, मेरी भाषा बोलने वाले, अगर हम इसमें जब फंस जाते हैं तो हम साक्षी नहीं होते हैं, हम अटैचमेंट पे आ जाते हैं। और फिर जो हम कर्म करते हैं, अटैच होकर कर्म करते हैं कि मेरे को मेरे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोगों को ही मदद करनी है, और लोगों को मैं नहीं दिखूँगा, और लोग दूसरे हैं, अजनबी हैं, दूर हैं, तो ऑटोमेटिकली वहीं पर हमसे पाप होने शुरू होते हैं। हम मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं, हम सेल्फिशनेस में आ जाते हैं, और वो पाप कर्म में जुड़ता रहता है। तो वो हीरो पार्ट नहीं हुआ, फिर विलन पार्ट हुआ। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते, तो फिर तो हम विलन का पार्ट ही बजाएंगे। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, मतलब देह। अब देह जब याद आता है तो देह से हमें अपने धर्म, प्रांत, भाषा, देश, काल, और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें, गोरा काला, मोटा पतला, और पंजाबी, फिर नेपाली, बंगाली, मद्रासी, उड़िया, ये सारी चीज़ें हमें याद आनी शुरू होती हैं। और उस कारण से हम अपने आप को और बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, और हम बट जाते हैं एक्चुअली। तो आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारा, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे कि देह मालिक ना बन जाए। जो हमने अभी बात करी कि हम कितने बढ़ जाते हैं, वो देह मालिक बन गया। और जब आत्मा मालिक बन जाती तो मैं हर एक के साथ में एक हूँ, मैं सिद्धांतों के अनुसार मैं काम करूंगी, कर्म करूंगी, आत्मा सही सही गलत गलत, चाहे वो फिर चाहे किसी भी प्रांत, किसी भी धर्म, मेरे ही धर्म का कोई इंसान क्यों ना हो, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट राइट है, रॉन्ग रॉन्ग है। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। क्योंकि इस स्थिति से किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। हम कब फंसते हैं विघ्न में, मुश्किलात में? जब हम इन बातों में फंसते हैं कि मुझे इसको मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि ये जो कर रहे हैं, चाहे हमारे धर्म वाले हों, हमारे प्रांत वाले हों, दुनिया के शरीर के हिसाब से, शारीरिक धर्म या शारीरिक प्रांत और शारीरिक भाषा बोलने वाले हों, उसके हिसाब से हमें पता है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्राण जात वाले ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम हीरो की जगह विलन पार्ट बजाते हैं, हम उनको मदद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जात के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, हमारी जाति के हैं, और यहीं पर हमसे पाप होना शुरू होता है, यहीं पर हम विलन बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इसलिए कि आत्मा समझ करके शरीर को भूलो, शरीर के धर्म, संपत्ति, धन, सब कुछ, पोस्ट पोजिशन, प्रांत और सब कुछ भूलो, और तब जाकर के तुम जो भी कर्म करोगे, जो भी सोचोगे, वो सत्य होगा, वो सिद्ध होगा, राइट। फिर परमात्मा कहते हैं फिर विघ्न नहीं आएंगे, मुश्किलें नहीं आएंगी, आ सकती। ये है मूल अभ्यास, प्रैक्टिस। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे, क्योंकि लास्ट में जो आत्माएं आत्माभिमानी होंगी, उनको ना प्रकृति कुछ उनका बिगाड़ पाएगी, और ना ही कोई और जाति या किसी और धर्म प्रांत के लोग कुछ बिगाड़ पाएंगे,
क्योंकि आपके अंदर इतनी सत्यता की शक्ति होगी कि कोई और आपके पास में आ ही नहीं पाएगा, नजर ही नहीं उठा पाएगा आपके पास में। तो ये प्रैक्टिस अभी से करनी है हमें। देह को भूलना है, देह की चीज़ें, देह के धर्म, देह की बातें, इन सबको भूल करके आत्मा के अनुभूति में बैठ करके हर कर्म करना है, तब जा करके हमें सफलता मिलेगी। अभी तो मिलेगी, अंत में तो बिल्कुल ही मिलेगी। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी, इसमें आप जा करके सीख सकते हैं इसको निःशुल्क। ओम शांति इसके साथ।